हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सेलर के फिर से नए एक्साइटेड वीडियो में। इस वीडियो में मतलब इंडियन एयरफोर्स भर्ती 2021 के बारे में बताऊंगा। उससे पहले जरूरी बात आपके लिए, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं दोस्तों, अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को। और सामने का बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को क्लिक कर लीजिए। ऐसे क्या है कि जितने भी सारे मैं भर्ती की जानकारी लाता हूँ दोस्तों, आप सबसे पहले पा सकेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो भर्ती है दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना भर्ती 2021 की बम्पर भर्ती है, जो कि एक स्वैक ग्रुप की है बम्पर भर्ती है दोस्तों। अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती में जो पोस्ट कोई मेंशन नहीं किया गया है, पोस्ट का नाम है एक स्वैक ग्रुप की भर्ती होगी दोस्तों। अगर हम इस भर्ती की बात करें तो एक स्वैक कैटेगरी की भर्ती, अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन के जरिए इसमें अप्लाई की जाएगी। हु कैन अपट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई इसमें कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 33,100 रुपीज़ में आपको सैलरी मिल जाएगी दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों, जनरल ओबीसी के लिए 250 रुपीज़ और SST के लिए 250 रुपीज़ इसमें आपको लगेगा। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, 16 जनवरी 2021 से लेकर 29 दिसंबर 2004 इसमें आपको एज लिमिट दी गई है दोस्तों। रिलैक्सेशन की बात करें तो SST के लिए कोई रिलैक्सेशन इसमें बहुत रखी गई है दोस्तों। इसको SST 5 ईयर के, OBC के लिए 3 ईयर की रिलैक्सेशन इसमें के। अप्लाई मोड की बात करें, ऑनलाइन के जरिए इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें तो दोस्तों, मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होना चाहिए दोस्तों, 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर। और इसके बाद बात करें तो रनिंग एंड लॉन्ग जम्प की बात करें तो दोस्तों, 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, जिसमें आपको 6.5 मिनट की टाइम दी जाएगी। और 10 पुशअप्स करने होंगे, 3 चिन अप करने होंगे, उसके बाद 10 सीट अप करने आपको होगा दोस्तों। चेस्ट की बात करें तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका इंक्रीज होना चाहिए आपका बिना फुलाए चेस्ट से दोस्तों, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड होना चाहिए दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, ऑनलाइन जरिए अप्लाई हो ये की जाएगी। आपको पता है इसमें भी ऑनलाइन भी एग्ज़ाम होगा, इसके बाद PET होगा, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा दोस्तों। इसको बात करें तो इसकी जो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए दोस्तों, इसी में आपको फोटो सिग्नेचर चाहिए, लाइट ब्लू लाइट कलर की चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट 8वीं या 10वीं का, डोमिशियल सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, पैन और आधार में से कोई एक भी चल जाएगा इसमें अप्लाई करने के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट वो है पास दियर इंटरमीडिएट, यानी कि आप इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 10वीं 12वीं पास किए होना चाहिए, प्लस मैथ फिजिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 50 मार्क्स आना चाहिए, 3 ईयर पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा करना चाहिए, प्लस 50 मार्क्स आपकी ऑल कोर्स में होना चाहिए दोस्तों। ग्रुप आई की बात करें तो ग्रुप आई के लिए आपके लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, 10 प्लस 2 पास करना चाहिए, विद मिनिमम 50% आपकी स्कोर होना चाहिए आपकी 10 प्लस 2 में। इसमें आपको इंग्लिश में 50% आना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर अब इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द रिलीज होने वाला है दोस्तों, तो आप इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें जाकर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन की बात करें तो दोस्तों, 22 जनवरी से इसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा, लास्ट डेट होगी दोस्तों 7 जनवरी। तो यही थी जानकारी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम मेरे इस वीडियो को एक लाइक कीजिए दोस्तों, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।